दोस्तों KTM ड्यूक अनवील हो चुकी है। 390 ड्यूक, 250 ड्यूक, 125 ड्यूक। बिकॉज ये न्यूज एकदम सरप्राइजली आया है हमारे लिए, क्योंकि KTM ने इसको सडनली अनवील कर दिया है। तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बाइक्स हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है ये बाइक्स, क्या है इन बाइक्स के फीचर्स, एंड शुड यू वेट फॉर दिस पॉकेट रॉकेट अमेजिंग बाइक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो टॉप वेरियंट है 390 उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं इस बाइक के। तो जो डिजाइन है इसका पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यू जनरेशन का बाइक है। जो इसका फ्रंट में हेडलाइट है वो काफी ज्यादा शार्प हो गया, एग्रेसिव हो गया। जो फ्रंट हेडलाइट है वो सुपर ड्यूक से इंस्पायर्ड है, काफी शार्प एंड एग्रेसिव डिजाइन है। जो फ्यूल टैंक है वो मेटल का होने वाला है। जो साइड प्रोफाइल है उसमें भी काफी आपको एजी डिजाइन देखने को मिलने वाला है। जो एग्जॉस्ट है वो अंडर वैली देखने को मिलेगा। जो पहले वाला ड्यूक 390 आता था उसमें आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता था। इसके साथ साथ आपको नए टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, ब्लू एंड ग्रे विथ ऑरेंज एलॉय व्हील्स, जो अभी मॉडर्न सुपर ड्यूक है 1290 सीरीज उन्हीं से मिलता जुलता इनका कलर है। अगर मैं ऑनेस्टली इस बाइक के लुक के बारे में बात करूँ तो ये पहले से भी ज्यादा शार्प और पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव लग रही है और पहले से ज्यादा मॉडर्न लग रही है। बहुत सारे लोगों को इसका लुक पसंद आएगा और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया इसका लुक, क्योंकि ये सुपर ड्यूक की तरह लगता है। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन का साइज बढ़ चुका है, पहले जो 373 सीसी का इंजन आता था वो अब बढ़ के 399 सीसी का इंजन हो चुका है। इसकी वजह से जो पावर प्रोड्यूस करेगा बाइक वो अराउंड 44 HP देखने मिलेगा आपको, एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन हम सबको पता है कि पहले वाले जो 390 ड्यूक आते थे उनमें भी बहुत ज्यादा पावर थी, और इसमें उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये जो बाइक है इसमें आपको सस्पेंशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, 43 mm एपेक्स ओपन कार्ट्रेज सेटअप देखने मिलेगा। जो रियर सस्पेंशन है वो ऑफसेट मोनोशॉक देखने को मिलता है, और जो बाइक का फ्रेम है वो बिल्कुल नया हो चुका है। आपको इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है, और जो ये आपका फ्रेम है ये टू पार्ट्स कंस्ट्रक्शन वाइज डिवाइड है। अगर ब्रेकिंग की बात कर ले तो इसमें आपको 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, जो विद द न्यू 4 piston कैलिबर का रियर ब्रेक है, जो 240 mm का डिस्क प्रोवाइड करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट टेक से रिलेटेड है। इसमें आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, विच वन इज स्ट्रीट मोड, सेकंड इज रेन मोड, थर्ड इज द ट्रैक मोड। इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, और वो भी स्विचेबल रहेगा। उसके साथ साथ आपको इसमें कॉर्नरिंग ABS भी देखने को मिलता है। जो ट्रैक मोड है उसमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे विद द डिस्प्ले। डिस्प्ले इंटरफेस भी चेंज हो जाएगा, जो कि ट्रैक फोकस्ड रहेगा। जो आपका RPM और स्पीड है लार्ज आइकन में शो होंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर आता है, जो कि है लॉन्च कंट्रोल। आई थिंक इस कैटेगरी में ये पहला बाइक रहेगा जिसमें आपको लॉन्च कंट्रोल देखने को मिलेगा, और आप ट्रैक मोड पे इस लॉन्च कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये बाइक कैसा लगा और कौन कौन ये बाइक को 2024 में लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए अगले वीडियो में, तब तक लिए कीप सपोर्टिंग।